पूरी दिल्ली में जितनी झुग्गी बस्ती हैं, उन झुग्गी बस्तियों की सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आ जाए और इसमें से 50 ग्राम पानी पी ले तो योगेंद्र चंदोलिया 100 ग्राम पानी पिएगा। इस समय हम जहांगीरपुर में मौजूद है और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी द्वारा यहां पर एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि यहां पे जो बुरे हालात बताए जा रहे हैं संस्था के, यहां पे लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर बीजेपी इस समय आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप यहाँ पे पूरा जन आक्रोश का पोस्टर देख सकते हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। सर क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में जितनी झुग्गी बस्ती हैं, उन झुग्गी बस्तियों की सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का शासन है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पूरी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि कोई बिजली फ्री नहीं है, पानी आता नहीं है। अभी अब सभी लोग आपके सामने बताएंगे, केवल झूठी बातें करके अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार दिल्ली के झुग्गी वासियों के साथ घिनौना खेल खेल रही है। ये लोग, इन्होंने इसलिए वोट दिया था कि हमारी झुग्गी के अंदर बिजली का बिल नहीं आएगा, हमें पानी साफ मिलेगा, इसके कारण थे। आज कहते थे कि दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, सफाई व्यवस्था चरमरा रही थी। आज झुग्गियों के अंदर सफाई की व्यवस्था आप देखिए, सीवर लाइन नहीं है, पीने का पानी गंदा आता है। 20-20 रुपए की, 25-25 रुपए के गैलन ये पानी देखिए, इसको अगर इस पानी को इसके अंदर ये क्या कीड़ा है, जानवर है कि नलके का पानी है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आ जाए और इसमें से 50 ग्राम पानी पी ले तो योगेंद्र चंदोलिया 100 ग्राम पानी पिएगा, 100 ग्राम पानी पिएगा, 50 ग्राम पानी पी ले। ये स्थिति है दिल्ली की सरकार की। लोगों को पीलिया हो रहा है, बच्चों को बीमारी हो रही है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और दिल्ली बदलाव, झुग्गी बस्तियों का विकास होना चाहिए। ये बार बार एक बात, जब इनका चुनाव आता है तो लोगों को भड़का देते हैं झुग्गियों में जाकर कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, आपको झुग्गी हटा देगी। मैं कहना चाहता हूँ ये झुग्गी वासियों से, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, जहाँ झुग्गी वही मकान। और हमने कहा नहीं है, हमने किया है कालकाजी के अंदर, गोविंदपुरी के अंदर। दिल्ली के बादले इलाके में हमें जनता के अंदर जिस तरह का गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस समय जनता वहां पर कितनी ज्यादा परेशानियों से जूझ रही, जिसको अब बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। और इसी को लेकर बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी वहां पर जनता के बीच पहुंचे, उन्होंने पंजाब के इश्यू से बातचीत भी करी, बातचीत में बातें बताई, तमाम बातें रखी और बताया किस तरह से जनता की परेशानी को लेकर इस समय वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जहां पे स्थानीय विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं, उस पर भी उन्होंने तमाम सवाल रखे, बताया कि उनको किस तरह से इस पूरी चीजों को ध्यान में लेना चाहिए, जो विधायक है वहां पर उनको किस तरह से जनता का वहां पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता को वहां पर पीने का पानी भी, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बीमारी हो सकती है, आपकी जो हालात है वो काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर बीजेपी ने एक प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है मुझे जरूर बताएं। तब तक हमारे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन लाओ, पंजाब केसरी दिल्ली।